दुश्मन उठाकर तुम्हारा पिता जाएगा युद्धभूमि में इंद्रजीत। क्यों पिताश्री? क्योंकि तुम तो भविष्य में ही लंका का पुत्र। पिताश्री, ये आपका मोह हो रहा है। पहले हनुमान आया, उसे भी आपने एक दूत समझकर छोड़ दिया, फिर भी इंद्रजीत कुछ नहीं बोला। फिर अंगद आया, वो भी हमारी इज्जत मिट्टी में रोलकर चला गया, फिर भी इंद्रजीत कुछ नहीं बोला। आज इस सभी बातों का प्रतिशोध इंद्रजीत लेकर छोड़ेगा। ठीक है पुत्र, तुम जाओ युद्धभूमि में और विजय होकर लौटो। लक्ष्मण, कहाँ हो तुम? इंद्रजीत तेरा काल बनकर तुझे युद्धभूमि में ललका रहा है। कहाँ चुप बैठे हो तुम? आज तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित होकर रहेगी। इंद्रजीत, तेरी मौत का प्रतिकार बन गया है लक्ष्मण। युद्धभूमि में केवल शस्त्रों से वार किया जाता है इंद्रजीत, बातों से नहीं। तुम्हारी कोई आशा अधूरी ना रह जाए तो ये लो, मेरे शस्त्रों का सामना करो।
लोग इनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी। हनुमान तुम जाओ संजीवनी बूटी लेकर आओ, भगत से पहले आ जाना, हमारे पास समय बहुत थोड़ा है। हेलो किसी बच्चे चाहते कि कैसे हनुमान जी रोटी लैंड भेजते एक तारीफ चाहिए लक्ष्मण चाकी जी रिस्पॉन्स किए जाते हैं बहुत ही बढ़िया ढंग के लक्ष्मण मूर्छा जरा ग्रामीण प्रोग्राम में दर्शन गई नौजवानों ने साथी का बहुत मेहनत की। सुशांत देव ने हनुमान जी को क्या के सुनी चली तो क्या बना संजीव ने बूटी लेते रहे तंजो छोटे भाई लक्ष्मण देव प्राण बच सकन। तो राम भगवान जी किस तरह बलाप करते हैं कैसे वो भाई